नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का प्रश्न है कि आभा आईडी कैसे बनाएंगे, तो आभा आईडी बनाने के लिए आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का जो है आभा आईडी जनरेट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। लगभग जो है आप 2 मिनट के अंदर किसी भी व्यक्ति का आभा आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर आपको बताएंगे कि आप आभा आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं। के लिए हम अपने मोबाइल के भव्य माशा ऐप पे जाएंगे। अब जाने के बाद देखिए हमारे पास दो तरीके हैं आभा आईडी को जनरेट करने का। सबसे पहला ये कि आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब हम हेड फैमिली पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है लिंक फ्रॉम आभा। तो यहाँ से भी हम आभा को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन और एक तरीका है जहाँ से फिलहाल हम आपको जनरेट करके दिखाएंगे। हम बैक आते हैं, हम डैशबोर्ड में हैं। फिलहाल डैशबोर्ड में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है आभा जनरेशन, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक करने के बाद सारे ऑप्शन को टिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर डालना है, ठीक है, और यहाँ पर ये सारे बॉक्स टिक करना है। उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आधार नंबर ये सारी चीज़ें डाल चुके हैं। अब हम सिंपली से क्या करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर सिंपली से क्लिक करिए। अच्छा, मोबाइल नंबर ऊपर, सबसे ऊपर मोबाइल नंबर मांग रहा है आपसे, तो मोबाइल नंबर भी आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। चलिए, जनरेट ओटीपी पे हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने एक नया ऑप्शन आ चुका है। देखिए, अब ओटीपी आ चुका है आपके मोबाइल नंबर पर। जो मोबाइल नंबर आपने दिया, जो रजिस्टर्ड होता है, तो उस ओटीपी को हम यहाँ पर डालेंगे। चलिए, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद तुरंत बाद हमारे सामने एक नया स्क्रीन ओपन होगा। फिलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं और आप देख सकते हैं हमारा आभा जो है, हमारा जो आभा आईडी है वो जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने ये आभा आईडी हमारा जनरेट हो चुका है। सिंपली से हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा ये आभा आईडी हमारे मोबाइल में, हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। तो इस तरह से हम आभा आईडी को जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है आपको एक आईडी दिया जाता है। इस आईडी के माध्यम से जो है आप क्या 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 कर सकते हैं। तो ये आभा आईडी इस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आभा आईडी बनाने में कोई और प्रॉब्लम हो आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको बताएँगे कि किस प्रकार से आप आभा आईडी को जनरेट कर सकते हैं, और कोई समस्या आ रही है तो कैसे उसका समाधान आप करेंगे।